तो उसके बाद एक यमनी बंदा खड़ा हो गया, उसे कहता है हर रईत रब्बा का या अली। अली इतना बड़ा दावा किया है कि आपने अपने रब को देखा है, हर रईत रब्बा का या अली। अली शेर खुदा क्या जवाब देते हैं, काल अली लम आबुद रब्बा लम अराऊ, मैं उसके रब की इबादत नहीं करता जिसको देखना लूं। अली कैसे देखा है, माया हवासे हमसा से उसका दरार मुमकिन नहीं है, आंखें उस जात को नहीं देख सकती वो स्वयं मेरे महबूब के, लेकिन मेरा दिल हकीकत ईमान से देखता है। माया हवासे हमसा के जिया दरार की मुमकिन नहीं उस जात का। जब यमनी ने ये बात सुनी तो गश खा के गिर गया, शाही इस्माइल हकी फरमाते हैं गश खा के गिर गया। जब दोबारा होश उठा कि अली अब मैं कभी भी आपकी बारगाह में ऐसा सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि आपने पहले फरमाया था कि सवाल जानने के लिए पूछना, मुझे जमाने के लिए ना पूछना, क्योंकि मुझे अल्लाह के महबूब ने बड़ा नवाजा है। सही बुखारी की हदीस है, दूसरी जिल्द है, सफा 214 है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्मी व अबू बकर इसासुहा व उमर जिदारुहा व उस्मान सक्फुहा व अलीयुन बाबुहा। मैं मेरे आका करीम ने फरमा दिया का मैं इल्म का शहर हूँ, सिद्दीक अकबर इसकी बुनियाद है, फरूक आजम इसकी दीवारें हैं, उस्मान गनी इसका छत है और तो अली इसका दरवाजा है। तो जिसको सरकार फरमा दें कि इल्म के शहर का दरवाज़ा है, कौन उसका मुकाबला कर सकता है। नुसरतुल मजालस की दूसरी सफ़ा 210 है। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह रिवायत नकल फरमाते हैं, हज़रत शेर खुदा फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन आ गए इंसानी शक्ल में, आके मुझसे पूछा अली तूने बहुत बड़ा दावा किया सरूनी अम्मा दून अलर्श, ये तो बताओ जिब्रील कहाँ है, ये तो बताओ जिब्रील कहाँ है। हज़रत अली शेर खुदा तो मैंने ऊपर देखा आसमान की तरफ जिब्रील नहीं है, तख तो सराह तरफ देखा जिब्रील नहीं, मैंने कहा आंदा जिब्रील जिब्रील आप हैं। अली शरीफ बताते हैं मुझे जब सरकार ने उमर मैं तुम्हें यमन का हाकम बना के भेजने लगा हूँ, मैं भी नौ उम्र था, तकरीबन आपकी 28-29 साल उम्र थी जब शादी हुई। ये जिलहाज यकम पहली हिजरी को आपका निकाह हुआ है और जंगे बदर के बाद दूसरी हिजरी को सदी हुई यहाँ दोनों जन्म। आज की हजूर मैं नौ उम्र हूँ फैसले कैसे करूँगा, मैं अली यहाँ कौन सी देर लगी, दुनिया का थोड़ी काम है कि कानून पहले बनो जज बनो बाद में, फरमाया मैं जज पहले बनाऊंगा कानून बाद में बढ़ा दूंगा। फरमाया अली इधर आओ करीब आए, आपके सीने के ऊपर ये दूल्हा वाला हाथ फेरा, अर्ज किया मौला अली के चेहरे को रोशन कर दे, जबान को तस्वीर दा फरमा दे। मौला के नाम में सारी उम्र कोई मुझे फैसला करने में दुश्वारी नहीं हुई, सदीक अकबर ने भी आपको शूरा का रुकन बनाया, जब तक शेर खुदा दस्तखत नहीं करते थे फैसला जारी नहीं होता था, और सैयदना फरूक आजम ने आपको मस्जिद शूरा का चेयरमैन बनाया हुआ था। एक दफ़ा ऐसा मसला आ गया सैयदना फरूक आजम के पास, मैं कह अली शेर खुदा को बुलाओ, जब बुलाया गया तो आपने पूछा अली शेर बताया ऐसे मसला है किसी की जान जानी थी, वहाँ सैयदना फरूक ने फरमाया कि लाउल अली हलाक उमर, अगर आज अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। ये मकाम सरकार ने ता फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। अगर कोई ये कहे माज़ल्ला के वही उधर आनी थी, उनको गलती लगी रबी को, वो समझो को वो उसका ईमान के साथ कोई तलक नहीं है। जो नस्ल कुरान की का इनकार करता है वो भी काफर है, और जो सरकार के फरमान हदीस सैया का इनकार करता है वो भी गुमराह है जालम। मौला का नाज होना कि सरकार ने माया कि मैं इल्म का शहर हूँ, सिद्दीक़ अकबर इसकी बुनियाद हैं, फरूक आज़म की दीवारें हैं, उस्मान गनी छत है, अली बाबू हा अली इसका दरवाज़ा है। ये सही बुखारी की हदीस है, दूसरी जिल्द सफा 214 है। पहले तीन हिस्से खा जाते थे, चौथा हिस्सा पढ़ते हैं, क्यों भाई ये यहूदियों वाला तरीका छोड़ दो, वो भी ऐसे करते थे, जब उनके खिलाफ होते थे ऐसे ऊपर हाथ रखते थे तुरात में। ये पहले तीन हिस्से खा जाते हैं, मैंने पूरी हदीस पढ़ी है बुखारी की, ये है। और याद रखना इसमें ये इल्म नबूवत की हिकमत है सरकार की, सरकार ने खिलाफत की पूरी तरतीब भी बता दी और दुनिया को एक अकली दलील भी दी। जब कोई मकान तमीर होता है पहले बुनियादें बनती हैं, फिर
दीवारें चुनी जाती हैं, फिर छत डाला जाता है, दरवाजा हमेशा हाथ में लगता है। और ये भी फरमा दिया कि पहले खलीफा सिद्दीक अकबर होंगे, दूसरे फारूक आदम होंगे, तीसरे उस्मान गनी होंगे, चौथे अली होंगे। ये हदीस मुस्तफ़ा में तीन नुक्ते हैं, इसमें खिलाफत की तरतीब भी बता दी गई है और फिर अकली दलील के साथ जैसे मकान तमीर होता है आखिर तक उसकी तरतीब भी दी गई है। और तीसरा ये भी बताया गया है कि अजली शेर खुदा को जो मकाम मिला है वो नबी अलैहिस्सलाम से मिला है, बल्कि नबियों को नबूवत मिली है तो सरकार के सदके, रसूलों को रसालत मिली तो सरकार के सदके। जाओ उठाओ जरा ज़रकानी शरीफ दूसरी जी सफा 615, अल मुस्तदरक उठा के देख लो, रूहुल बयान की पहली जी सफा 113-114, जब आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला दिया था ना मेरे और आप चाका करीम का, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, फरमाया कि कई फ़रफ़त या आदम, आदम तुमने कैसे बजाना, अभी तो मैंने अपने महबूब को दुनिया में भेजा ही नहीं, आज किया मौला जब मैंने सजदे सर को उठाया तेरे नाम के साथ उनका नाम लिखा हुआ था और श्याला पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमाया कि आदम जाओ गफ़रतु लका, मैंने उसके सदके तुझे माफ़ कर दी, तेरी तौबा कबूल कर ली। अब मैं कह लौला मोहम्मद लमा हलकतुक, अगर उनको ना भेजना था तो मैं तुम्हें पैदा भी ना करता। ये जिस जिस को जो शान मिला, जो मकाम मिला, वो मेरे और आपके आका के सदके मिला है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये हज़रत अली शेर खुदा के पास बड़े, आप तकरीबन अपने दौरे खिलाफत में बड़ी बड़ियाँ मुसीबतें देखी हैं, परेशानियाँ देखी हैं, शोरशें देखी हैं, बल्कि हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला यहाँ तक लिखते हैं कि अगर उनको दुश्मनों से निपटने को फुर्सत मिल जाती ना तो इतना इल्मी और रूहानी मालूमत का जहीरा के लिए छोड़ जाते कि जिनको आपके कलूब आपके दिल बर्दाश्त ही ना कर सके। सब खारजियों के साथ लड़ते थे लेकिन उसके बावजूद जो फैसले किए वो बड़े कमाल के किए हैं। आपने कूफे को बनाया दारुल खिलाफा मदीना अब्दुल मुनव्वरा की वजह, क्योंकि उस खारजी बड़े थे, हालात बड़े ख़राब थे। फजर की नमाज पढ़ाई तो फरमाया कि वो फलाम मस्जिद के पास एक मकान में मियाँ बीवी का झगड़ा, उनको बुला के लाओ। जब लेकर आए तो लोगों को कहा कि ये बंदे की मैंने गुफ्तगू बड़ी लंबी करनी है तो मैं नहीं चाहता कोई और सुने, बाकी सारे चले गए, दोनों वो बैठ गए। हमारा झगड़ा क्यों कर रहे थे, तो बंदा कहता है कि हजूर मेरा इस औरत से निकाह हुआ है, तो रात को जब मैं इसके करीब गया तो मुझे नफरत पैदा हो गई है, मेरा जा दी जाता अभी मैं इसको भेज दूँ, इसने मेरे से झगड़ा करना शुरू कर दिया है। और चली शेर खुदा से ने फरमाया कि ठहर बैठ जाओ, उस औरत को कहा मैं जो कहूँगा मानोगे, इसके जो आप कहेंगे ठीक है, और मैं तो फलां बिनते फलां नहीं है, तेरा नाम ये है तेरे बाप का नाम, उसके हाँ जू बिल्कुल ठीक है, मैं कि तू तेरा चचा का बेटा था तो उसकी आशिक थी, मैं हाँ जू बिल्कुल ठीक है फरमा दे, मैं एक दफ़ा तो रात को बाहर निकली उसने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारे साथ हम बिस्तरी की, तू हामला हो गई, जब तूने बच्चा जाना तेरी माँ तेरे साथ थी, तूने तेरी माँ ने कपड़े के साथ लपेट के बाहर रखा, जहाँ से गुजर रास्ता था एक कुत्ता आया तो तूने पत्थर मारा कुत्ते को, कुत्ते को नहीं लगा इस बेटे के सर पे लगा, उसका सर फट गया, तेरी माँ ने कपड़े के साथ बांध दिया, ऐसा हुआ तो उनके हजूर हुआ था, वो रो रही थी, कहती है इस चीज़ का पता मुझे तो मेरी माँ के अलावा किसी को नहीं था, आपने मर्द के मुखातब किया, जरा अपना सर नंगा कर, सर नंगा किया तो सर फटा हुआ था, माया के मुबारक हो तो बच गई है, ये तेरा बेटा है, जब इसको घर ले जो लड़ा तब तुम दोनों को बुराई से बेहयाई से बचा लिया। एक और बड़ा अजीब फैसला है आपके पास, औरतें आ गई आपके दौरे खिलाफत में, चार औरतें आ गई, अर्ज किया हजूर ये अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है एक मर्द एक वक्त में चार शादियां कर सकता है, सूरह नसा मैं आया मार कर पढ़ देता हूँ, फरमाया कि फन की हुमाता बलकुम मिनन निसाए मसना सुलासा वरुबा,